सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ स्नेहा जी और निशा जी का जो मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड मिस्टर मिसेस एंड मिस इंडिया आइकॉनिक पर्सनैलिटी 2019 ये एक प्लेटफॉर्म है एंड न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी देन मैंने मॉडलिंग कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया था, ब्यूटी पेजेंट ज्वाइन किया था, तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला एंड इस कॉन्फिडेंस से मैंने ऑडिशंस दिए, ऑडिशंस क्रैक किए, काम किया इंडस्ट्री में, मैंने पद्मावत की है और बहुत सारे सीरियल्स किए। मैं कलर्स का एक शो कर रहा हूँ, क्रांतिकारी बेस्ड अनटाइटल्ड शो। सो ये जो शुरुआत होती है लोगों की, ये प्लेटफॉर्म सबसे ज़रूरी है। जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है माँ का दूध पीता है, उससे बड़ा होता है, उससे कॉन्फिडेंस मिलता है एंड बाहर की दुनिया से वार्तालाप होती है, ऑल दैट थिंग्स इट मैटर्स अ लॉट। सो ये जो प्लेटफॉर्म है, द कंटेस्टेंट शुड बी वेरी प्राउड ऑफ देमसेल्फ कि वो लोग आए हैं यहाँ पे एंड कंटेस्ट कर रहे हैं। देखो, हार जीत होती रहती है ज़िंदगी में, बट हमें चलता रहना चाहिए पॉजिटिविटी के साथ एंड जस्ट गो फॉर इट, गिव योर बेस्ट एंड डोंट बी स्ट्रेस्ड इन लाइफ, बी हैप्पी। सब लोगों ने कहा है बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड एंड जस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स इट। And I'm very helpful and this thing will be very helpful for the contestants and this will help them grow in future as well. ऐसा ऑडिशन एंड ऐसा पेजेंट मैंने पहले नहीं देखा एंड आई एम रियली हैप्पी, ग्लैड एंड टू एसोशिएटेड विद मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉनिक पर्सनालिटी 2019। आई एम अ ग्रूमिंग पार्टनर इन इट, आई एम गोइंग टू डेफिनेटली ग्रूम माय कंटेस्टेंट ब्यूटीफुली, आई एम गोइंग टू शेयर माय होल ऑफ लाइक होलसम एक्सपीरियंस ऑफ 3 years वेर आई हैव अचीव्ड डिफरेंट टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। So I'm really happy to get associated with Nisha ji, who is in her own way a mother figure to me. Yes, very blissful I feel like. And yes, Sneha, she's an amazing designer. So when she told that how you will contribute with this event where she has just started, I said that I'm best with grooming. So give me and let me associate with you as a grooming partner. So this will be my first on board grooming thing. Though I do train contestant on the off board, but on board with an big event like this, I'm done with this. I'm coming in this industry, so I'm really happy with it. Yeah. हाँ, मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगी निशा और स्नेहा को कि उन्होंने जो यंगस्टर्स को, फॉर एवरी वन, मिस मिस्टर एंड मिसेस सबको जो प्लेटफॉर्म दे रही है, जो ये इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं या कर चुके, उन्हें पता है कि ये प्लेटफॉर्म अपने आप में ही कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो ये ब्लेसिंग जो मिल रही है कंटेस्टेंट को, उनके लिए मैं बधाई देना चाहूँगी। और एज ए डर्मा एस्थेटिशियन एंड ट्राइकोलॉजिस्ट, अगर किसी भी कंटेस्टेंट को हमारी कुछ भी हेल्प की ज़रूरत है तो वी आर देयर, वी आर कॉल अवे। और निशा एंड स्नेहा, थैंक यू वेरी मच, आज मुझे आपको इस ब्यूटी पेजेंट को जजिंग करने के लिए बुलाया, आई एम एंजॉइंग अ लॉट, थैंक यू सो मच। पलक मैम, आपने क्या कहते हैं, जज भी किया आपने, वॉक भी किया आपने, डांस भी किया आपने, कैसे कर लेती हैं सब सारा काम? वेल, being a woman it's really not easy multitasking, but yes, being a woman we are god gifted for all this thing, multitasking करना इजी नहीं होता बट हम कर लेते हैं मैनेज। इट्स एन इंस्पिरेशन फॉर मी, लाइक बिकॉज आई डू हैव, आई टोल्ड यू दैट निशा जी इज अ मदर फिगर टू मी एंड व्हेन आई सी हर एट दिस एज, इफ शी कैन रन फॉर एवरीथिंग, शी इज फुलफिलिंग हर पैशन एंड एवरीथिंग, व्हाई कैंट आई? डांस इज माई पैशन, ग्रूमिंग एंड ट्रेनिंग आई हैव ऑप्टेड एज इन माई लाइक प्रोफेशनल करियर एंड पैजेंट वॉज द ओनली थिंग शी हैज इंट्रोड्यूस्ड me to the glam field. I was not in this glam field, so I really feel blissed and inner strength. Main har ek jo contestant hai ya fir I want to give a message to the outer world, inner strength aapki aap hi pehchan sakte hain, agar usko explore kar liya to aap kuch bhi kar sakte ho. So don't feel like I can't do this. जो भी इच्छाएं हैं, ड्रीम्स है, डीपेस्ट डिज़ायर ऑफ योर हार्ट, यू कैन फुलफिल इट, इज जस्ट यू नीड टू एक्सप्लोर योर इनर स्ट्रेंथ, जो आपकी मन की शक्ति है उसको पहचानिए और उसके बाद फिर आप अपने सपने पूरे कीजिए। थैंक यू। डेफिनेटली खुशी की बात है
ये इनिशिएटिव जो उसने लिया है, जब उसने सोचा तभी से मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ कि कम वोट में यू शुड गो अहेड, कि एक अननोन फील्ड में ऐसा करने का, क्योंकि शी हैज़ बीन टू ए पार्टनर, मेकअप पार्टनर फॉर सो मेनी इवेंट्स, लेकिन उसने खुद ने ऑर्गेनाइज से शी इज़ डूइंग फर्स्ट टाइम। तो शुरुआत उसने अकेले से ही की थी, स्नेहा जी भी बाद में ज्वाइन हुई, तो तभी से मैंने उसको सपोर्ट किया था कि ट्राई कर लो कि एक अच्छा काम सोच रहे हो, क्योंकि इसमें दो उनके मोटिव है जो यहाँ हाईलाइट एक ही हुआ है कि बड़ी उम्र की मतलब जो मिसिस है उनको प्रमोट करना है, उसके अलावा ये जो फिनाले है वो अहमदाबाद में रखने का रीज़न ये है कि शी इज बोर्न एंड ब्रॉट अप फ्रॉम गुजरात, ओके, सो उनका ये ऐसा अनुभव भी हुआ है कि कभी कभी वहाँ के जो लड़के लड़कियाँ हैं, जैसे ये लड़का बैठा है ये गुजरात से है, ठीक है, तो उन लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है या मुंबई आना पड़ता है ये प्लेटफॉर्म लेने के लिए, तो उनको वहाँ बैठे ही उनकी टैलेंट को एक्सप्लोर करें, उनको प्रमोट करें, तो ये दूसरा रीज़न था। अदरवाइज़ फिनाले यहाँ पे, हम तो मुंबई में रहते फिर भी वहाँ किया है, सो दैट इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ ये करके वहाँ की टैलेंट को बाहर लाए, उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड दे। उसके अलावा दूसरा उसका एक मकसद ये भी है कि जो गुजरात में जो भी स्त्रियाँ हैं, स्त्रियाँ मतलब जो लेडीज़ हैं जो मैरिड है और उन्होंने अपने घर के फैमिली को संभालते हुए कुछ समाज में अगर कुछ योगदान दिया है तो उनको भी रिकग्नाइज करें, तो उनके लिए स्पेशल अवॉर्ड रखा गया है ये फिनाले में, कि जिसको नाम दिया है नारी रत्न अवॉर्ड, और वो टैलेंट हंट जो है वो चल रहा है, तो उनको भी सम्मानित किया जाएगा वो अच्छी डिग्निटरी के हाथ से। और थर्ड है कि आज हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया पानी का प्रॉब्लम बहुत है, आज अच्छा हुआ है कि ये पहले दिन पे अपना बारिश हुई है, भगवान ने आशीर्वाद शायद दिया है, लेकिन ये बारिश का मतलब पानी का बहुत प्रॉब्लम है, तो उसका भी एक कैंपेन चला रहे हैं, और जो ये फिनाले होएगा उसमें थीम रखा जाएगा कि हाउ टू सेव वाटर सेव लाइफ, सो दिस आर द थ्री बेसिक मोटिव बिहाइंड दिस वेंचर, तो मेरा उनको खूब सपोर्ट है और खुशी भी है और पूरा फैमिली इससे खुश है। जजों की जहाँ तक बात करें, सारी सेलिब्रिटीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई है, जैसे कि नगमा अख्तर है, अर्जुन यादव है, अजीत पंडित है, शार कश्यप है, हमारे साथ रीटा मावानी है, पलक रवेशिया है, तो जो काफ़ी इंटेलिजेंट और काफ़ी एक्सपीरियंस जूरी हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। और हमारा जो पेजेंट हो रहा है उसकी मेन खासियत ये है कि ज़्यादातर जितने भी पेजेंट होते हैं उसमें होता है ओनली मिस्टर एंड मिस, बट यहाँ पे हम लोग शादीशुदा लोगों को भी एंकरेज कर रहे हैं कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि शादी होने के बाद हमारी लाइन ख़त्म हो जाती है, तो हम लोग उनको भी मौका देना चाहते हैं। और यहाँ तक नहीं कि चलो 35 या 40 एज तक की, हमने यहाँ पे 50 प्लस वाले को भी एक्सक्लूसिव राउंड में लिया है, ताकि अगर उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते कि जाती उम्र में, बट जैसे एज हमारा ढलता है तो एक हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है, तो वो कॉन्फिडेंस वापस बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक एक्सक्लूसिव राउंड भी रखा है जहाँ पे 50 प्लस वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा फर्स्ट ऑडिशन जा रहा है, आप अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप हमारे ब्यूटी पेजेंट पे जुड़ सकते हो। हमारा ब्यूटी पेजेंट जयपुर में भी है, राजकोट में भी है, सॉरी ऑडिशन हमारा जयपुर में भी है, राजकोट है, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, गुवाहाटी, सब जगह हमारा ब्यूटी पे सॉरी ऑडिशन होने वाला है। और ऐसा नहीं है कि बॉम्बे में आज ऑडिशन हो गया तो बॉम्बे वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, अगर आज बारिश की वजह से काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़ नहीं सका है तो वो भी हमारे साथ बाद में वीडियो कॉल से भी जुड़ सकता है, और हमारे पास कोई भी इंक्वायरी चाहे ऑनलाइन ऑडिशन भी दे सकता है। तो मैं चाहती हूँ मीडिया वाले से भी, मैं चाहती हूँ कि आप हमारे पेजेंट को, मैं फेम मीडिया को भी बोल रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, हमारा ये जो है मिस्टर मिस एंड मिसेस आइकॉनिक पर्सनालिटी 2019 को। हाय गाइस, आई एम एक्ट्रेस नगमा अख्तर, आई हैव वर्क फॉर मेनी सीरियल्स एंड शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज, आप गूगल में देख सकते हैं मेरा पूरा प्रोफाइल। मैं रिसेंटली अभी साउथ में एक कन्नड़ मूवी करके आई हूँ जिसका नाम है चाणक्षा, और प्रेजेंटली मैं प्राइम अमेजोन के लिए एक फिल्म शूट कर रही हूँ, इट्स अ फिल्म जिसका नाम है अय्याश दिल, तो शूट अभी चल रही है, सो माइट बी विद इन 2 मंथ्स इट विल गेट कम्प्लीट एंड इट विल गेट रिलीज,
And apart from that, I'm working for two music album by Zee Music. So the name is not fixed yet. So ये था मेरा छोटा सा introduction. And I'm really blessed कि आज स्नेहा ने और निशा जी ने मुझे यहाँ पे बुलाया है इस इतने बड़े पेजन का मुझे एक हिस्सा बनाया. So I'm really glad. And see, you can see it's Miss, Mr. and Mrs. Iconic Personality of India 2019. So the best thing about this pageant is that कि यहाँ पे Mrs. जो उन्होंने ऐड किया है, जैसे मैंने तब भी बोला था. So it's again a exposure for the woman, for the married woman who have dreams, who have their individual goal in life to do something, लेकिन वो किसी ना किसी कारण वो नहीं कर पाते हैं, बंद जाते हैं, या उनको उस तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है. लेकिन आज स्नेहा गोगोई और निशा देसाई जी के वजह से आज वो सब बंधन को तोड़ के वो यहाँ पे आएंगी और आ रही हैं. काफ़ी सारे आए हैं, उन्होंने ऑडिशन दिया है, बहुत अच्छा किया है. एंड देन अगेन वी हैव सीन टू वुमन आउट हियर हु इज़ लाइक 63, एक की एज 63 एंड अनदर वन इज 50. सो आप मतलब मुकाबला नहीं कर सकते, आप बोल नहीं पाओगे कि दे आर लाइक 63 और 50 उनका एज है. दे वर सो कॉन्फिडेंट, सो टैलेंटेड. सो इट्स सो गुड टू सी. एंड दे हैव अगेन, दे आर सेटिंग अ इंस्पिरेशन फॉर दैट एज वुमन. जो वुमन 50 क्रॉस करके उनको लगता है अभी उम्र हो गई, अभी हम क्या पेजेंट में जाए, कैसे अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट करें. सो इट्स अगेन अ मोटिवेशन फॉर एवरी एज वुमन. एंड लिटरली इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म एंड आई रियली विश देम गुड लक एंड होप इट्स अ वेरी बिग हिट. एंड एवरी ईयर, हर साल ये निशा जी और स्नेहा जी ये पेजन को लेके हमारे साथ आए, हमारे बीच में आए, ताकि और लोगों को मौका मिले इस पेजन का हिस्सा बनने का. थैंक यू सो मच.